यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है, इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, पड़ाव है, और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, स्वच्छूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है, अयोध्या को उसकी पहचान मिले। इस पहचान ने अयोध्या के संतों का गौरव भी बढ़ाया है, हर अयोध्यावासी को देश के अंदर गौरवान्वित किया है। कोई भी अयोध्यावासी देश के अंदर जाता है, हर व्यक्ति उसे सम्मान की निगाहों से देखता है। हमें इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। सम्मान मिलता नहीं, मिले हुए सम्मान को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित रखना, अगर इस दिशा में हमारा प्रयास सार्थक हुआ तो एक लंबे समय तक आप सब इस सम्मान के पात्र बने रहेंगे, और यह हमारा प्रयास होना चाहिए, और यही कार्य यहां पर डबल इंजन सरकार कर रही है।